हाय गाइस, दिस इज यार, यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। गाइस, काफी टाइम हो गया था। एक्चुअल दो तीन दिन से हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे। एक्चुअल ऑफिस का फर्नीचर का काम चल रहा था, तो इसकी वजह से थोड़े बिजी हो गए थे वहां पर। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास वैकेंसी नहीं थी और जॉब्स नहीं थे। तो गाइस, वैकेंसी चल रही है अभी। कौन सी वैकेंसी चल रही है, कौन सी जॉब रनिंग में है, वो सारी अपडेट्स आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखें, अंत तक देखें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को टच कर ले, ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेल्पर्स में। गाइस, हेल्पर में अभी हम लोगों के पास बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है चेन्नई लोकेशन के लिए, जो फूड पैकिंग का रहेगा। अच्छा पैकेज रहेगा और रहना खाना दोनों फ्री रहेगा, जो आने वाला है। इसके अलावा जो प्रेजेंट टाइम में रनिंग चल रहा है प्रोजेक्ट, वो मेडिसिन पैकिंग का है। उसमें हेल्पर की रिक्वायरमेंट, जैसे पहले आपको बताया था, सैलरी वगैरह सब कुछ जो मैंने उस वीडियो में मेंशन की थी, अच्छा जो है एसी में बैठ के काम रहता है वो सब। इसके अलावा हेल्पर में वेल्डिंग हेल्पर का भी चल रहा है। इसके अलावा गुजरात लोकेशन में जो बोला था कि जो है आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए हेल्पर का फ्रीजर रेफ्रिजरेटर कंपनी में मैन्युफैक्चर कंपनी, वो भी अभी चल रहा है। उसमें भी जो है रहना खाना फ्री है। तो कहने का मतलब हेल्पर्स में अभी हम लोगों के पास मेल कैंडिडेट्स लोगों के लिए जिसकी एज 18 से लगाकर अपने 25 तक है, और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और नहीं पढ़े लिखे हैं, दोनों के लिए जो हेल्पर की काम है हम लोगों के पास अभी। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। फोन करने का हमेशा की तरह बोलता हूँ कि वही टाइमिंग है 10:30 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक। इसके अलावा जो कम पढ़े लिखे हैं, जिसकी हाइट कम है, उन लोगों के लिए सिक्योरिटीज का काम, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर, वो सारी की सारी वैकेंसी रनिंग में है। आप जब चाहे आ सकते हैं, उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स में जो मैंने पहले बताया था कि स्टार्टिंग में हम लोगों के पास उसमें सैलरी जो है 12,000 रहती है, प्लस रूम फैसिलिटी फ्री रहती है, प्लस आपका ओटी मिल जाता है ओवर टाइम, जिससे आपका खाने का खर्चा उसमें आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें एज लिमिट फिक्स नहीं रहता, कितने भी एज के हो आप चलता है इसमें। तो कहने का मतलब है कि अभी प्रेजेंट टाइम सिक्योरिटी गार्ड की भी चल रही है। आपके चाहे ज़्यादा एज के हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो भी उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर का हो गया, सिक्योरिटी गार्ड का हो गया। इसके अलावा प्रमोशन प्रमोटर का, अब प्रमोशन प्रमोटर का भी काम चल रहा है, अलग अलग ब्रांड में, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग लोकेशन पे और अलग अलग सैलरी के साथ। उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा पढ़ा लिखा मिनिमम 12th और थोड़ा इंग्लिश नॉलेज होना चाहता है। तो उस जॉब के लिए आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों के लिए, क्योंकि उसमें रूम और खाने पीने की फैसिलिटी नहीं रहती है। एक्स्ट्रा कंपनी आपको टारगेट देती है, कंपनी आपको एक लोकेशन देती है, वहां पे आपको जाके कंपनी का जो है प्रमोट करना रहता है। तो प्रमोशन प्रमोटर की जॉब भी चल रही है। इसके अलावा हाई सैलरी जॉब्स में आपका जो है मार्केटिंग का हो गया, सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर का हो गया, और सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, उसकी भी सैलरी आपको जो है 20 से चालू रहती है। 20,000 हो गया, प्लस जो पेट्रोल कमेंस हो गया, प्लस टीए हो गया, डीए हो गया, बहुत सारा अच्छा बेनिफिट्स रहता है उन सारी जॉब में। वो वैकेंसी भी अभी चल रही है हम लोगों के पास। आप चाहे तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए, सेल्समैन के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के लो सैलरी से लगाकर हाई सैलरी तक अभी हम लोगों के पास वैकेंसी चल रही है। अब मैं मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप हमारी कंपनी से जुड़े हैं या फिर चाहे आप दूसरी कंपनी से जुड़े हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, बहुत ही अच्छी बात होने वाली, जो आपको बहुत ही काम आने वाली है। एक्चुअल देखिए गाइस, होता ये है कि हम लोग अपने थ्रू या फिर दूसरे थ्रू के जहाँ काम पे भेजते हैं, वहाँ पे कभी कभी कंपनीज क्या करती है कि डिले पेमेंट कर देती है, पेमेंट थोड़ा लेट कर देती है, और वो हर एक कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो है और सिर्फ मेरे पास जो आपको जो है अच्छा पेमेंट मिलेगा या फिर दूसरी कंपनी में थोड़ा जो है अच्छा पेमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है।
हर कंपनी में कुछ ना कुछ थोड़ी कमी रहती है। जहां आपको सैलरी अच्छी देगी कंपनी, तो वहां पे जो है टाइमिंग ज्यादा रहेगा। जहां टाइमिंग ज्यादा रहेगा वहां सैलरी कम रहेगी। वहां मान लो दोनों ही अच्छा रहेगा, टाइमिंग भी अच्छा रहेगा, सैलरी भी अच्छी रहेगी, लेकिन वो कंपनी जो है आपको सैलरी थोड़ा लेट करेगी। तो कहने का मतलब है कि हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ इश्यू होता है, वो इंटरनल इश्यू होता है। इंटरनल इश्यू वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, महीना 2 महीने के बाद उन लोगों का वो इश्यू खत्म हो जाता है, फिर रूटीन कंपनी में आ जाता है। जैसा आपको पहले पेमेंट प्रोसेस होता था, जैसा आपका पहले टाइमिंग था, वो सारा सारा सेम प्रोसेस में चलता है। लेकिन इस दरमियान क्या होता है कि कुछ ऐसे बंदे रहते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जो अपने आप को कुछ अलग ही समझते हैं। मान लो अगर आपका पेमेंट कंपनी ने 10 तारीख को बता के 1 महीना थोड़ा लेट कर दिया, सिर्फ आपका नहीं सबका बता रहा हूं, 15 तारीख या 20 तारीख कर दिया, और आपको आश्वासन दे रही है कि हम लोगों का कुछ माल बिक नहीं रहा है, या फिर हम लोगों का पैसा आ नहीं रहा है, हम लोग बहुत जल्दी ही आपका पेमेंट करेंगे, तब तक आप खाने खर्चे का पैसा ले सकते हैं, तो वहां पे सांत्वना रखने की जरूरत है, धीरज रखने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि आप मेरी कंपनी के थ्रू जाएंगे इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे किसी भी कंपनी के थ्रू जाइए, कहीं पर भी लगिए, कोई भी कंपनी जो रहती है वो कुछ ना कुछ इश्यू के साथ होती होती है। तो वहां पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, महीना भर वेट करके आपकी पेमेंट जो है रिलीज होता है। आपको जो कंपनी 3-4 महीने से कंटिन्यू पेमेंट दे के आ रही है, तो इसका मतलब आपको ट्रस्ट है, विश्वास है कि वो कंपनी अच्छा देती है। तो 1-2 महीना अगर ऊपर नीचे होता है तो उसको थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ना कि थोड़ा वहां पे हंगामा खड़ा कीजिए, ना कि वहां पे नेतागिरी कीजिए, ना कि वहां पे आप एक संगठन बनाइए कि मैं 4 आदमी को इकट्ठा करूंगा और अपना पेमेंट निकला लूंगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ इश्यूज हो जाते हैं ऐसे। दूसरी बात है कि कुछ बंदे ऐसे भी रहते हैं कि सर आपने मुझे कहाँ भेज दिया, वहां भेज दिया जहां पे पेमेंट ही नहीं आता है, वो ये कंपनी है, वो फ्रॉड कंपनी है। तो मैं गाइस एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एक चीज आपको बता देता हूँ कि हम लोगों की कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है या फिर जहां आपको भेजती है ना, वहां पे अच्छे से मौका पे जाके मुआयना करती है, चेकिंग करती है। 3-4 बंदों की टीम जाती है, उस कंपनी का लोकेशन वगैरह, जगह वगैरह, काम वगैरह, आपका काम क्या रहता है वहां पे, आपका टाइमिंग क्या रहेगा वहां पे, पेमेंट टाइम पे देगी नहीं देगी, कंपनी कैसी है, वो सारा का सारा जो है बायोडाटा फीडबैक लेती है हमारी कंपनी। उसके बाद हमारी कंपनी एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डालती है, जिसको आप लोग देख के फोन करते हैं, आते हैं, ज्वाइन होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारी कंपनी जो रहती है वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस से चलती है। अच्छे वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम लोग उस जॉब को जो है आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको कुछ नुकसान ना हो, आपका मेहनत का पैसा कहीं पे जाए नहीं। लेकिन हम लोग जब विजिट करते हैं, या फिर हमारी टीम जब विजिट करती है, उस समय क्या रहता है कि कंपनी वाले हम लोगों को आईना कुछ और दिखा देते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी कंपनियां भी रहती है जो दिखता तो बहुत अच्छा साफ सुथरा है, लेकिन महीना 2 महीना जब आप लोग काम करते हैं, आप लोग जाते हैं वहां पे ज्वाइन होते हैं, तब वो बातें आप लोगों के थ्रू हम लोगों को पता चलती है कि एक्चुअल में अंदर में कंपनी कैसी है। पहले हम लोगों को थोड़ी पता चलती, देखो भाई सिंपल सी बात है कि एक छोटी सी बात बताऊं कि हम लोग मानो शादी करके आते ना, 2-3 बार जो है किसी मतलब किसी फ्रेंड से मुलाकात हो गई, उससे बात बातचीत हो गया, अच्छी बात हो गई, शादी हो गई। अब 2-4 दिन मुलाकात में तो आपको पता नहीं चलता कि उसका नेचर कैसा है। शादी करके ले गए थे, घर में होते तब तो पता चलता है ना, और लड़की को तभी भी पता चलता है कि मेरे होने वाला मतलब मैं जो जिसके साथ शादी की उसको कैसा है। तो कहने का मतलब शादी में होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग वहां जाते हैं, काम करते हैं महीना 2 महीना 3 महीना, तब अंदर की कंपनी में जो है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कंपनी पेमेंट प्रॉपर दे रही है कि नहीं दे रही, तब आप लोगों के थ्रू हम लोगों को पता चलता है। हम लोग क्या करते हैं फिर एक एक करके उस कंपनी से लड़के निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हम जाके एकदम धरना धरना दे देंगे वहां पे कि सर हम लोगों का लड़के लोगों को बाहर भेजिए, हम लोग कार पे नहीं भेज सकते उसको, आप पेमेंट टाइम पे नहीं देते, ऐसा किया तो आपका भी नुकसान है, हम लोगों का भी नुकसान है। आप लोगों का ये नुकसान है कि फिर वो मामला कोर्ट कचहरी में चला जाता है, फिर आपका पैसा जहाँ 1 महीने के बाद मिलना होता है, वह 6 महीना साल भर के बाद मिलता है, क्या पता कब मिले, समझते ना इस बात को, तो उस झमेले में नहीं जाना। तो जब आप काम पे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, तब पता चलता है कि वो कंपनी कैसी रहती है। हम उस कंपनी से कैंडिडेट्स निकालते हैं, दूसरी जगह
इम्प्लॉइड्स हम दूसरी जगह प्लेसमेंट दे देते हैं उन लोगों को, उनका पेमेंट निकलवाने के बाद में। तो मेरी यही गुजारिश है उन लोगों से, चाहे आप मेरी कंपनी के थ्रू जाए या चाहे कोई दूसरी कंपनी के थ्रू जाए, आपको कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ तो कंपनी में एक फॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसको थोड़ा अच्छे से निभाए, ना कि वहाँ पे हॉल मतलब हल्ला करें, ना कि वहाँ पे नेतागिरी करें, ना कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, ऐसा करने से आप लोगों को ही नुकसान है। हम लोग जो है पूरा कोशिश करते हैं कि आपको सेफली वहां से निकालें। तो एक आध कंपनी हम लोगों के पास भी कुछ ऐसी आ जाती है जिससे बाहर से पता नहीं चलता कि वो कंपनी कैसी रहती है। तो गाइस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जहां अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है वहां पे, तो पहले वो कंपनी को इन्फॉर्म करे कि सर हम लोगों के पास जो है पेमेंट नहीं रिलीज कर रही है कंपनी, एक महीना हो गया, तो हम लोग उससे बात करते हैं। और ऐसा होता है नहीं करके नहीं है, होता है कि कंपनी का जो है कभी मार्केट डल हो जाता है या फिर कभी कुछ इश्यू हो जाता है, इंटरनल इश्यू हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन निकलता है और कंपनी वापस उसी रूटेड में चलती है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो बहुत ही अच्छी हेल्पफुल थी आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, चाहे फ्रेशर वाले या फिर जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो गाइस अब जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हम लोगों के पास प्रेजेंट टाइम में चल रही है, इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, हम लोग बहुत ही अच्छा एक प्लान लॉन्च करने वाले हैं। प्लान का मतलब पैसे वाला नहीं यार, जहां आपको बिजनेस ग्रोथ प्लान देखने को मिलता है बड़ी बड़ी कंपनी, वहीं पे हम आपको देने वाले हैं जॉब ग्रोथ प्लान। जॉब ग्रोथ प्लान उसका डिटेल्स मैं आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दूंगा, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसका क्या जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, और वो प्लान का लाभ कौन कौन ले सकेंगे, वो सब का सारा मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस सिक्योरिटी के लिए, हेल्पर के लिए, हाई सैलरी के लिए जो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो बंदा फोन कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि फोन का टाइमिंग हमेशा की तरह सुबह 9 बजे से लगाकर शाम के जो है 5 बजे तक ही रहता है, उसी के दरमियान कॉल करें ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। और इस चीज का एक भी ध्यान रखें, जैसे मैंने बोला था ना बीच में कि जो है कहीं पर भी जाते हैं, मान लो कुछ कंपनी ऐसे निकल जाती है कि वो टाइम पे पेमेंट देती नहीं है, तो वहां एक धीरे से काम ले, अपने ठंडे दिमाग से काम ले, वहां से अपना पेमेंट लेके निकले, या फिर वहां से पेमेंट लेके हमें कॉल करें कि सर ऐसा ऐसा कंपनी था, मैंने यहाँ पे पेमेंट ले लिया, मैं आपके यहाँ से ज्वाइन हुआ, मुझे दूसरी जगह जॉब करना है, कोई अच्छी कंपनी बताइए, तो हम लोग डेफिनेटली उसको हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स एक अच्छी जॉब इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, थैंक्स फॉर अस कि आप लोग एंड तक बने रहे वीडियो के। तो गाइस मिलते हैं हम लोग कुछ जो नई जॉब और नई जॉब अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।